लेकिन ये टिशन टैट आप जरूर रहे, लेकिन टिशन टैट वो रहे जो नबी इस्लाम चाहते हैं, अपनी मर्जी का टिशन टैट नहीं। वो एक बड़ी प्यारी हदीस है, आप सुनेंगे झूम उठेंगे। वो हदीस है जी सुन नबी दाऊद के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर, अल मुस्तदिल हाकिम में है। एक सहाबी थे, उनका नाम था खुरैम अल असदी। वो बड़े फैशनी सहाबी थे, बड़ी लंबी लंबी उन्होंने लिटे रखी हुई थी, जिस तरह आपके इधर पिंडी के पास के एक पीर साहब है, उन्होंने लंबे लंबे बाल रखे। और बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते थे और जमीन पे घिसट रहे होते थे। अब लाडले भी थे, बड़े फैशन वाले भी थे, तो नबी इस्लाम ने उनको डायरेक्ट नहीं कुछ कहा। आप थोड़ा तवक्कुफ भी फरमाते थे। आपने सहाबा कराम ने कहीं जिक्र किया हजरत खुरैम का ना, कि जी उनकी देखें जितनी लंबी लंबी लिटे हैं और ये तो अबू दाऊद के अल्फाज हैं, मुस्नद अहमद के, अल मुस्तदिल हाकिम में। नबी इस्लाम फरमाया खुरैम तो बड़ा अच्छा आदमी है, बस एक अपने बाल छोटे करवा ले और अपनी तहमत को टखनों से ऊपर कर ले और आधी पिंडियों तक करे तो क्या ही बात है। तो सहाबे किराम ने नबी इस्लाम का बस पैगाम उसको भिजवाया कि तेरी तो हुजूर ने बड़ी तारीफ की है, बस दो चीजें हाईलाइट की हैं। उनका क्या कहा, ये बाल। अब बालों से आपको पता है नौजवानों को कितना प्यार होता है सर, यही वाबी में और सहाबी में फर्क है, यही बाबी और सहाबी में फर्क है। आप बाबों के पीछे चलते हैं, सहाबे किराम नबी इस्लाम के फरमान के पीछे चलते थे। आपकी मुसलमान औरत को मरते दम तक पर्दे की अहमियत समझानी पड़ती है। सहाबियात को एक दफा पता चलती थी, वो कहती थी लब्बाई का या रसूल, या रसूल हाजिर है, जो आपने कहा समिअना वा अताना। तो हजरत खुरैम ने उस तरह लिया और अपने बाल जो है वो कानों की लो तक कर दिए। बालों से कितनी नौजवानों को मोहब्बत होती है। और अपनी तहमत टखनों से ऊपर करके आधी पिंडली तक ले गए। और साहबा कहते हैं हमने पूरी जिंदगी फिर उनके नाम नम्बे बालों में उनको देखा है और ना कभी उनकी तहमत टखनों से नीचे हुई है। और यहां मुसलमानों से आप नारे लगवा लें जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारे लगाते हैं ना, तो मौत कबूल है, दाढ़ी कबूल नहीं, फजर की नमाज जमात से कबूल नहीं, टखने नंगे करना कबूल नहीं है, माँ बाप मुखालिफ हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखना शुरू कर देते हैं, लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमारे में बारे में बातें करेंगे, तो सर फिर जन्नत आसान तो नहीं मिलनी। ये अभी तो नहीं आपको पढ़ाया गया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बीवी बच्चों, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं।